हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइज, इधर जो हो रहा है दीपावली की तैयारी, तो तैयारी में देखिए सारे दिया में जो है पलीता लगा चुके हैं। तो हम नहीं लगाए हैं पलीता, मेरा बेटा लगाया है। और इधर मेरे हस्बैंड है, पूजा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूजा वही करते हैं। मैं तैयार करके दे देती हूँ। तो दीपावली का पूजा जो है लड़का लोग ही करता है, गाय जी, इसीलिए मैं नहीं करती, मैं उनके साथ रहती हूँ सिर्फ। तो ये देखिए पूरा तैयारी कर रहे हैं, नवग्रह बनाए हैं। तो अपना हिसाब से वो जैसे उनका मन कर रहा है वो कर दे रहे हैं, तो अच्छा ही किए हैं पूजा। आप देख सकते हैं धान वगैरह सब रखा हुआ है, तो मैंने सिर्फ हेल्प किया है सब दिया वगैरह लगाने में। तो इधर देखिए पंचमेवा वगैरह सब जो है थाल में मैं लगा देती हूँ, और ये भोग लगा देते हैं। तो इधर पूरा सजा कर रखा हुआ है, फल फल है, पंचमेवा है, जो भी लगता है पूजा के सामग्री में। तो आप देख सकते हैं सब कुछ कितना सुंदर से लगा दिए हैं ये, तो अच्छा भी लग रहा था देखने से। तो इधर जो है चौमुखी दिया जला में घी उ लगा कर मैंने पलीता लगा दिया है। तो उनसे मैंने कहा कि आप जो है जला दीजिए, बाकी सब छोटे छोटे जो दिया है वो उन सबको मैं जला दूंगी। तो कैसा गया आप लोगों का दीपावली का पूजा गाइज? और सॉरी मेरा वीडियो बहुत लेट जा रहा है, मतलब 2 सप्ताह हो चुका है दीपावली का, उसके बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। कुछ नहीं किया जा सकता है गाइज, इसके बाद आप लोगों तक छठ पूजा का वीडियो मैं डालूँगी फैमिली। तो इधर देखिए आप पूजा अच्छे से देख लीजिए, कितना अच्छा से जो है इन्होंने सजा दिया है। तो नीचे जो है एक वाइट कपड़ा बिछा दिया गया है, ताकि कुछ भी गिरे तो उसी पर गिरे, नहीं तो पैर लग जाएगा ना, इसीलिए। तो आप लोग कैसा, आप लोगों का गया दीपावली हमें कमेंट्स करके बताइएगा गाइस। जरा आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, चौमुखी दिया जला है। तो इधर जो है ये सामग्री पूरा दे रहे हैं, जो जो सब कुछ देख करके देना पड़ता है ना। तो देखिए पूजा वगैरह हो चुका था, उस समय जो है वीडियो करने का किसी के पास टाइम नहीं था फैमिली। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, दीपक जल रहा है। तो देखिए पूरा थाल में मैंने सजा के जला दिया था, तो अब लग रहा है कि हाँ दीपावली का पूरा दिया सजा हुआ है, जल रहा है। उधर जो है मेरे लड्डू गोपाल भी थे। तो ये है मेरे मंदिर का सीन। तो ये देखिए मंदिर है ये हमारा, मैं मंदिर में भी चली गई थी पूजा करने के लिए, गुड़ लगने के लिए। तो ये देखिए मंदिर में जो है पूरा दिया हुआ जल रहा है भाई, मैं गुड़ उड़ लाग ली हूँ भोले बाबा का। इधर सीताराम जी हैं, सब नए नए वस्त्र पहने हैं, पूरा फूल से सजाया गया हमारा मंदिर। तो कैसा लग रहा है आप लोगों का हमारा मंदिर बताइएगा गाइज। तो मैं जो है वीडियो एडिट करके रख चुकी थी, लेकिन समय नहीं मिल रहा था जो मैं वॉइस करूँगी। तो ये देखिए ये जो साड़ी है ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लाया था। तो कैसा लग रहा है आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइएगा। तो इधर जो है पूजा बहुत अच्छे से विधि पूर्वक संपूर्ण हो चुका है। और ये हमारा ऊपर में जो छोटा सा गौरी गणेश का मंदिर है वो मैंने इसी तरह से सजा दिया है। उधर गौतम बुद्ध जी है, तो इधर देखिए गौरी गणेश बैठे हुए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं ना। तो पूजा वूजा होने के बाद ये जो है दूसरा दिन है दीपावली का। तो बहुत बड़ा तारा माँ का जो है वहाँ पे ये हो रहा, तो 22 फुट की तारा माँ है। तो देखिए ये जो है तारा माँ पूरा 22 फुट की है। तो देखिए तारा माँ का इसी तरह सामने चरण था। तो उस दिन जो मैंने वीडियो छोड़ा था उस दिन जो है माँ का चरण नहीं लगा था। तो आज कंप्लीट था ये काली पूजा का दूसरा दिन है, तो मैंने जो है माँ को प्रणाम कर लिया था, फिर मेरे हस्बैंड गए थे। देखिए पूरा अच्छे से आप देख सकते हैं तारा माँ को कितनी बड़ी है, पूरा 22 फुट की है माँ तारा। तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो माँ तारा का ये रूप जानते हैं? तारा पीठ में है इनका इतना मतलब भव्य मंदिर जो है उनका। तो ये देखिए ये काली पूजा का मतलब दीपावली का दूसरा दिन का ये है। तो ऊपर मैंने दिया जला, मेरे हस्बैंड ने दिया जला दिया था घी का। और गाइस दीपावली ख़त्म होते देरी नहीं हुआ कि मतलब उसी दिन तो काली पूजा भी होता है ना अमावस्या का। तो ये बोड़ो माँ है, काली माँ ही है,
माँ का ये रूप को जो है बूढ़ो माँ भी बोलते हैं और बूढ़ी माँ भी बोलते हैं। तो आप कोई भी बोलिए, काली माँ बोलिए, बूढ़ो माँ बोलिए, जो भी बोलिए, माँ तो माँ ही है। तो इधर जो है खिचड़ी खिलाया जा रहा था, तो देखिए मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम लोग यहीं आए हैं देखने के लिए, माँ का दर्शन करने, और खिचड़ी भी खा करके जाएंगे यहाँ से। तो देखिए सबको कैसे टेबल चेयर लगा कर जो है खिचड़ी खिलाया जा रहा है, माँ का भोग। तो आप लोग का उधर खिचड़ी उचड़ी बनता है कि नहीं माँ का भोग के लिए, काली माँ का बताइएगा हमें। तो एक और इधर है बूढ़ो माँ, तो ये दूसरी है, और आगे वाला जो था वो दूसरा था। हम लोग ऐसे घूम घूम के जो है देख रहे थे कहाँ कहाँ काली माँ का पंडाल बना है। तो कलकत्ता में तो हर जगह ही पंडाल बनता है काली माँ का, हर गली हर मोहल्ले में। तो गाइस कैसा लगा आज का हमारा दीपावली और काली पूजा का वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स। बाय बाय गाइस, मिलती हूँ छठ पूजा के वीडियो में। बाय बाय।